हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। आप देख रहे हैं ये हरा भरा सा बहुत खूबसूरत सा प्लांट। आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में। तो ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत है। अगर आपने वो मेरी मॉनसून शॉपिंग वाली प्लांट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये कौन सा प्लांट है। और मैंने अभी मानसून में ही इसको लगाया और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो सोचा आपके साथ इसकी केयर एंड ग्रो टिप्स मैं आपसे शेयर करूं कि कितना मेरे पास ये ग्रो कर रहा है, मैंने किस तरीके से इसकी केयर करी है सो दैट ये इतने अच्छे से चल रहा है। तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट है दोस्तों कैलीथिया सिटोसा फैमिली का। कैलीथिया सिटोसा, जैसे कि आपको पता है कि कैलीथियास की बहुत वेराइटीज़ आती हैं। बहुत डेलिकेट प्लांट है, केयर डिमांडिंग भी है थोड़ा सा। अगर हम इसकी केयर अच्छे से करते हैं तो बहुत अच्छे से ये ग्रो भी करता है। तो अब आज हम बात करेंगे इसी प्लांट के बारे में, कैलीथिया सिटोसा की केयर कैसे करें सो दैट ये लंबे टाइम तक आपके साथ बना रहे। और काफ़ी अच्छे इसके बेनिफिट्स भी हैं और काफ़ी हेल्दी और बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है अगर केयर सही डायरेक्शन में है। किसी भी प्लांट की अगर हम सही डायरेक्शन में केयर करते हैं तो वो बहुत अच्छे से और काफ़ी अच्छे तक हमारे साथ हमेशा हमारे साथ बना रहता है और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी हमें प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे नोटिफिकेशंस मिले वीडियो के और भी इंटरेस्टिंग प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी मिले। तो चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैलीथिया सिटोसा फैमिली का प्लांट है। तो अगर आपने मेरी मॉनसून वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको एक चीज़ बताई थी कि इस बार मैंने जो अपने इंडोर प्लांट्स हैं वो मैं खुद नर्सरी वाले से लगवा कर ही लेकर आई हूँ। बट मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे उसने लगाया है, पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार की, क्योंकि मैंने बहुत सारे खुद के अपने इंडोर प्लांट्स भी तैयार करे हैं। बट इस बार ये था कि पॉट पसंद आ गया था। देखिए पॉट कितना खूबसूरत है। पॉट पसंद आ गया था कि जब पॉट यहाँ से लेना है तो प्लांट भी लगवा लेते हैं, क्या घर जाके लगाना, इसलिए नर्सरी वाले से लगवा लिया था। तो चलिए पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी पॉटिंग मिक्स की बात करते हैं। इंडोर प्लांट, जो भी कोई भी इंडोर प्लांट है उसकी जो पॉटिंग मिक्स है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए। देखिए जिस दिन मैं इस प्लांट को लेकर आई थी, अब देखिए मौसम चल रहा है मॉनसून का तो हमें पानी का बहुत ध्यान रखना है। जिस दिन मैं इस प्लांट को लगवा कर लेकर आई थी तभी मैंने इस पर थोड़ा सा स्प्रे किया था सो दैट जो इसकी रूट्स हैं वो इस मिट्टी में सेटल डाउन हो जाए, तभी स्प्रे किया था। अभी तक इसकी मिट्टी गीली है, मैंने अभी तक इसमें कोई स्प्रे या पानी नहीं डाला है। बट हाँ, जब तक इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख नहीं जाएगी तब तक मुझे इसे दोबारा पानी नहीं देना है। वाटरिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है। जब हम फर्स्ट टाइम पेड़ को पॉटिंग करते हैं तो वह हम इसकी मिट्टी सेटल डाउन हो जाए, जड़ें सेटल हो जाएँ, इसमें मिट्टी जम जाए अच्छे से, इसीलिए हम पानी डालते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम पानी हमें तब डालना है जब हम 1-2 इंच तक नीचे तक उंगली डाल के, या फिर आप देखो कोई चीज़ आपके पास पैनी नुकीली चीज़ हो वो डाल के चेक करनी है कि इसमें कभी पानी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर पानी इसका पानी अगर वो 1 इंच तक सूख गए तब आप उसको थोड़ा थोड़ा स्प्रे करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब मिट्टी वेल ड्रेन है तो ऑब्वियसली यहाँ तक जो रूट तक पानी भी होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर की मिट्टी तो सूख जाती है बट जो नीचे की है वो हमेशा गीली रहती है, और जिसकी वजह से कि आप बहुत सारा पानी डालते रहते हैं तो वो हम सोचते हैं कि भाई हमारा प्लांट पानी से मर ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक प्लांट में ड्रॉट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, कुछ टाइम तक अपने आप को 2-4 दिन एक्स्ट्रा या हफ्ते भर तक ये अपने आप को बिना पानी के भी सर्वाइव कर लेते हैं, इतना ये पानी खुद अपनी रूट्स में होल्ड करके रखते हैं। तो जब हमारे मिट्टी नीचे मॉइस्चर है उसको ऑलरेडी, तो ज़्यादा उसको पानी देने की नीड नहीं है। चलिए तो वाटरिंग की बात थी, पॉटिंग मिक्स भी मैं आपको बता रही थी। वाटरिंग मिक्स आपको वेल ड्रेन रखनी है। गार्डन सॉइल लीजिए, इसमें अगर आप इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं वो भी, वर्मी कंपोस्ट और सैंड लीजिए। आपके पास परलाइट है, छोटे छोटे पत्थर है जो पानी को ड्रेन आउट कर दे वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें यही सारी चीज़ें मिक्स करवाई थी उससे, नीचे पत्थर इसमें है डाले हुए उसने बहुत अच्छे से, बाकी इसमें कंपोस्ट है, मिट्टी है और सैंड है, काफ़ी अच्छी उसकी मिट्टी बनी हुई थी, पोरस मिट्टी, वही मैंने रेडी करके इसमें डलवाई थी। तो ये हमारी पॉटिंग मिक्स थी। पानी का मैंने आपको बता दिया। फर्टिलाइज़र, जैसे कि जब हम पॉट लगाते हैं तो किसी को तभी हम उसमें फर्टिलाइज़र लगाते हैं, तो तभी हमें 1 महीने तक तो एटलीस्ट इसको फर्टिलाइज़र लगाने की भी नीड नहीं है। लेकिन हाँ, 15-20 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद में इसमें वर्मी कंपोस्ट या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें लगा सकते हैं, जो बहुत अच्छे से इसकी हेल्थ को और इन्हेंस करे और ये बहुत अच्छे से ग्रो करे।
तो अब रही बात इसकी लोकेशन की, इंडोर प्लांट, इंडोर प्लांट मतलब सेमी शेड प्लांट होते हैं, प्रॉपरली इंडोर नहीं रख सकते आप इसको, या तो जहाँ से ब्राइट लाइट आती है वहाँ आप इसको प्लेस करें। मेरा ये गेट के पास इधर ही रखे हैं, अभी आपको अंधेरा लग रहा होगा लेकिन ये जो गेट ओपन है इससे ब्राइट लाइट आती है तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। या कुछ टाइम के लिए मैं इसको अपनी बालकनी में भी रख देती हूँ जहाँ पर इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो इस तरीके से इसकी जो ये लीव्स हैं वो बर्न आउट हो जाएंगी, तो जब थोड़ा सनलाइट मिलती है तो ये बर्न इस तरीके से बर्न हो जाती हैं, ये मुड़ने लगती हैं। लेकिन बाकी अभी देखिए इनकी जो ग्रोथ है कितनी अच्छी चल रही है। और ये सिटोसा जो फैमिली का प्लांट है, देखिए इस पर इस तरीके से सिल्वर लाइनिंग होती है, इस तरीके से पैटर्न होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कैलिथिया फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं ना, कोई फ्रूट्स ना फ्लावर्स कुछ नहीं देते, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लीव्स पैटर्न हम इसी वजह से इनको बाय करते हैं, क्योंकि ये एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट है। इनके लीफ पैटर्न्स इतने प्यारे और इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इसी से ही कहते हैं कि घर एक सुंदर सा लगता है। तो ये था मेरा सिटोसा फैमिली का प्लांट, देखिए इसमें ग्रोथ भी अच्छी हो रही है नर्सरी से लाने के बाद, ये रहा इसमें नई लीफलेट्स निकल रही हैं, कुछ इसमें बेबी पप्स भी निकल कर आएंगे, देखिए ये निकल कर आ रहा है। तो जो इसके भी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी और मेरे अकॉर्डिंग तो अभी अच्छी चल रही है और होपफुली अभी भी अच्छी चलेगी। देखिए इसका लीफ पैटर्न कितना अच्छा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कैलिथिया फैमिली को ऐड करना, काफ़ी बजट में था, मैंने इसका प्राइस भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, तो इसको आप ला सकते हैं इस तरीके के पॉट में, जैसे चाहे पॉट में आप इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कैलिथिया सिटोसा, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट प्लांट में, नेक्स्ट प्लांट के साथ। तब तक बने रहिए आप मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। बाय बाय।